कि मेंस लेवल के पज़ल कब से बनाना स्टार्ट करें स्टार्टिंग टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ें साथ में लेकर हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम पजल कैसे करें ये क्वेश्चन एक्चुअली कमेंट्स में मैंने देखा था तो मुझे लगा कि इसको शायद मुझे डिस्कस करना चाहिए कि पजल की स्टार्टिंग कैसे करें क्योंकि मेन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन प्रॉब्लम आ जाती है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर सबसे ज़्यादा आती है आई थिंक ठीक है सो so, स्टार्टिंग से शुरू से पज़ल को कैसे अप्रोच करें कैसे उठाएं नहीं बनती प्रॉब्लम्स आती हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं स्पेशली इन द माइंड ऑफ बिगिनर्स ठीक है यहाँ पर मैं कंसिडर कर रही हूँ कि आप एक बिगिनर हो और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आपको आ रही हैं पज़ल्स में एक तरीका ये फॉलो कर सकते हो आपने जैसे कि अभी अभी आपने शुरू करी है प्रिपरेशन और आप पे पज़ल्स नहीं बन रही हैं जो कि नॉर्मल है स्टार्टिंग के जो टाइम होता है ना जैसे लाइक कि अभी मैंने मैं कंसिडर कर ली थी जैसे अभी मैंने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट करी है और मुझे प, मतलब पजल में जब भी करने बैठती हूँ तो मुझे बहुत बोरिंग भी लगता है और मुझ पर नहीं बनती दिस इज़ दिस सिचुएशन इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपको स्टार्टिंग में क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट साथ में लेकर कर चलने पड़ते हैं बहुत कुछ करना पड़ता है पूरे दिन में काफ़ी सारे टारगेट्स बनाने पड़ते हैं फिर उनको कंप्लीट करना पड़ता है और उसी के साथ साथ हमको पज़ल्स भी करने हैं अपने अर्थमेटिक भी करना है काफ़ी कुछ करना है है ना तो इस बीच में पज़ल को टाइम देना पड़ेगा पज़ल को आप स्टार्टिंग पॉइंट में जस्ट लाइक like कि आप एक टारगेट फिक्स कर लो कि जैसे कि हमें वन मंथ का हमने एक टारगेट फिक्स किया है तो जो एक महीने का हमने जो टारगेट बनाया है उसमें हमें पहले फोकस करना है प्री लेवल पज़ल पर क्योंकि स्टार्टिंग में हमें हमें एक फेमिलिटी डेवलप करनी है उस टॉपिक के साथ में स्टार्टिंग में आप एक दिन से तो पांच पज़ल इकट्ठे नहीं बनाने शुरू कर दोगे क्योंकि अभी आप अभी तक आपने सीखा भी नहीं है अभी तक आप जानते भी नहीं हो पज़ल्स को पज़ल्स के टॉपिक से इतने ज़्यादा फेमिलियर भी नहीं हो ठीक है तो अभी आपको जस्ट उसको सिर्फ टाइम देना है मतलब अभी आपको नंबर ऑफ पज़ल्स पर जंप नहीं करना अभी आपको सिर्फ़ एक आर्स पर जंप करो मतलब कि मैंने सोच लिया आई डिसाइडेड कि आज से मैं एक घंटा पज़ल को दूंगी एक घंटा क्यों क्योंकि साथ ही साथ हमको और भी चीज़ें करनी है और भी टारगेट्स हमने बनाए हैं उनको भी कंप्लीट करना है इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया मतलब कि जिस किसी को भी पज़ल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार ये डिसाइड कर लो कि आज से हम क्योंकि हमारे ऑलरेडी सात आठ घंटे और, और प्रिपरेशन में जा रहे हैं तो पज़ल का एक टॉपिक ऐसा है जिसमें हमें साथ ही साथ में एक अप्रोच बिल्डअप करनी है एक घंटा हम पज़ल को देंगे एक हफ्ते ऐसे करके देखो रेगुलर एक एक वन वन आवर दो एक एक घंटे डेली दो उसको अब आफ्टर वन वीक आपकी रेगुलरिटी मेंटेन होगी पहली चीज़ दूसरी चीज़ आपको पता चल जाएगा कि आप एक घंटे में कितनी पजल कर पा रहे हो स्टार्टिंग में वीडियो फॉर्मेट की हेल्प से मतलब वीडियो की हेल्प से आपको करना है वहाँ पे टीचर की हेल्प से हम सीखेंगे ठीक है किस तरह उसकी अप्रोच सीखेंगे तो स्टार्टिंग में वीडियो में जो टीचर्स सिखाते हैं उनकी हेल्प से सीखना है वहीं से बनाना शुरू करो ठीक है एकदम से आपको अपनी अप्रोच तो नहीं आएगी क्योंकि जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतना ज़्यादा कर पाएंगे स्टार्टिंग में आपने डिसाइड किया आपको एक घंटा करना है एक एक वीक के टारगेट्स बनाते चलो वन वीक का हमने टारगेट बनाया है कि हमको रेगुलर सातों दिन हमको एक एक घंटा करना है ठीक है एक हफ्ते बाद आपको ये चीज़ पता चलेगी कि तो आफ्टर वन वीक आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि क्या एक घंटा हम जो दे रहे हैं हमने दिया वो सफिशियंट है या फिर हमारी एफ़िशंसी क्या एक घंटे के हिसाब से है आफ्टर वन वीक आपको ये पता चल जाएगा कि नहीं मैं अगर इसमें वन थर्टी मतलब कि डेढ़ घंटा भी दूंगा वन पॉइंट थर्टी मिनट्स भी दूंगा तो वो भी मैं कर सकता हूँ या फिर एक घंटे में अभी हम मान लो दो पज़ल कर रहे थे या तीन पजल कर रहे थे जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल तो फिर आफ्टर वन वीक आपको ये रियलाइज़ होगा कि नहीं अगर मैं इसका नंबर चार भी कर दूँगा तो भी मैं कर लूँगा मतलब उतने भी मुझे बो, बोरियत सी फील नहीं होगी क्योंकि ज़रूरी होता है उस चीज़ को एनालाइज़ करना अपनी कैपेबिलिटीज़ को अपनी एफिशिएंसी को पहचानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप एक रेगुलरिटी को मेंटेन करोगे एक हफ्ते तक तो आफ़्टर वन वीक आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि अभी तक हम एक घंटे में दो पजल कर पा रहे थे लेकिन अगर हम तीन भी करते हैं तो वो हम कर लेंगे क्योंकि पज़ल्स के केस में आपका आपकी एफिशंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिर क्या होगा एक हफ़्ते बाद आपको चीज़ समझ में आएगी फिर आप एक हफ़्ते बाद हो सकता है आप अपने नंबर ऑफ़ पज़ल्स बढ़ा दो हो सकता है आप एक घंटे से डेढ़ घंटा कर दो वहाँ पे आपने इंक्रीमेंट किया धीरे धीरे आपकी फेमिलिटी कंटिन्यू चल रही है क्योंकि आप रेगुलर पजल कर रहे हो ब्रेक नहीं करना मतलब जो आप रेगुलर कर रहे हो उसको करते जाना है अब मे मेन्स लेवल के पजल्स को कैसे उठाएंगे एक महीना आप अपने प्री लेवल पर कमांड बनाओ इस तरीके से डेढ़ घंटे से ज़्यादा मत करो क्योंकि अभी आपको और भी चीज़ें साथ साथ में करनी है अब डेढ़ घंटा फिक्स कर लो एक घंटा या डेढ़ घंटा जैसे ही आप डेढ़ घंटे तक के टाइम पर पहुँच जाओ कि अब हम डेढ़ घंटा अगर कर, पजल करते हैं तो हम थकते नहीं हैं हम कर लेते हैं उतना वहाँ पे आप उसी में अपने नंबर ऑफ़ पज़ल बढ़ाना इंक्रीज़ कर दो जस्ट लाइक like कि आप हो सकता है एक घंटे या डेढ़ घंटे में अभी आप सिर्फ दो ही पजल कर रहे हो अब थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश करो तीन करने की कोशिश करो ठीक है उस चीज़ को अपनी मतलब कि जितना आप कर सकते हो उस हमसे इंक्रीज़ करो तो अब क्या करना है क्योंकि हर दिन हमें खुद को पिछले वाले दिन से बेहतर करना है ये हमारे माइंड में एक सोच होनी चाहिए अब हम मेंस लेवल के पज़ल कैसे उठाएंगे जब एक महीने बाद आपकी अच्छे से कमांड सेट हो जाए पज़ल्स में थोड़ा सा टाइम भी लगता है मैं जस्ट सब चीज़ें मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ एक एग्जाम्पल लेकर समझा रही हूँ ठीक है अब एक महीने बाद जब आप अच्छे से उसमें मतलब ढल जाओ उस चीज़ में कि अब हम प्री लेवल के पज़ल्स में हमारा जो है टाइम मैनेज हो जाता है आसानी से तब आप मेन्स लेवल की पज़ल उठाना क्योंकि मेन्स लेवल की एक पज़ल करने में जब आप टीचर की हेल्प से करते हो तो एक से डेढ़ घंटा भी लगता है स्टार्टिंग में तो करना शुरू करो शुरुआत में हमको ये नहीं सोचना है कि हम कर लेंगे जल्दी से हम जल्दी जल्दी कर पाएंगे नहीं हम सिर्फ अभी वो जो हाई लेवल के जो पजल्स होते हैं वहाँ पे अपनी फेमिलरिटी डेवलप कर रहे हैं ये चीज़ मैं प्री लेवल के बाद बता रही हूँ मतलब मेंस लेवल को कैसे अप्रोच करना है तो वहाँ पर आपको जैसे आपने प्री में किया प्री में आपने क्या किया था प्री में आपने शुरू में आपने सिर्फ टाइम दिया था उसको आपने एक घंटा आपने उसको दिया था ठीक है एक घंटे में चार पजल निकले या एक पजल निकला इस चीज़ से मैटर नहीं करता ये चीज़ मैटर नहीं करती क्यों क्योंकि यहाँ पे आप वहाँ पे टाइम डिवोट कर रहे हो अपना यही अप्रोच मेंस में लगेगी कि आपको मेंस की जब जैसे आँ, आँ, मैंने आज से शुरू किया मेंस लेवल तो मेरे माइंड में ये नहीं बैठा रहेगा कि मुझे जल्दी जल्दी दो पजल करने हैं या एक पजल करना है नहीं यार मुझे ये चीज़ सीखनी है कि टीचर क्या सिखा रहा है ठीक है अगर मैं किसी टीचर के साथ कर रही हूँ पजल तो मुझे ये देखना है कि कैसे कैसे स्टेटमेंट्स को मतलब कि कैसे अप्रोच करते हैं चीज़ों को अपनी फेमिलरिटी डेवलप करनी है ताकि हम जब हम देखें उन हाई लेवल के पजल्स को तो हमें एकदम से ये शौक ना लगे यार इतना लंबा पजल इतना बड़ा पजल कैसे होगा क्या होगा जस्ट डेवलप योर फेमिलरिटी विद दी पज़ल्स चीज़ आपको समझ में आई होगी इफ़ यू आर अ बिगिनर अगर आपने अभी तक पज़ल स्टार्ट नहीं किए हैं आपको नहीं समझ आ रहा कैसे करना है अभी आप फोकस करो प्री लेवल पे जब आप प्री लेवल में सेट हो जाओ एक महीने बाद डेढ़ महीने बाद मैक्सिमम फिर आप मेंस लेवल के पजल करना शुरू कर दो ठीक है क्योंकि मेन चीज़ मेंस लेवल के पजल है लेकिन उससे पहले प्री लेवल के भी आना जरूरी है ठीक है तो आफ्टर वन मंथ अब मेंस लेवल के पजल में क्या होता है जब आप अच्छे से प्री लेवल के पजल में कंफर्टेबल हो जाओ तो आपको क्या करना है जस्ट एक हफ्ते तक एक पजल उठाओ सिर्फ एक पजल हफ्ते दस दिन तक हफ्ता दस दिन आप सिर्फ एक पजल करोगे मेंस का रेगुलर ठीक है मीनस का रेगुलर एक पज़ल करना है वहाँ पर भी आपको अब देखो मीन्स का मेन्स लेवल का पज़ल जैसे कि आपको उठाना है मेन्स लेवल के पज़ल कब से करें क्योंकि अभी आप बिगिनर हो अभी आपके पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनमें जैसे जैसे टाइम रिड्यूस हो जाए जस्ट लाइक जैसे मान लो आपने रीजनिंग के कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हैं मिसलिनियस के टॉपिक्स होते हैं जैसे जैसे आप उनको सीख लो तो वहाँ से उसका टाइम बच जाएगा वो टाइम उठा के आप मेन्स लेवल के पज़ल में डाल दो आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हो मैं एक और बार एक्सप्लेन करती हूँ कि मेंस लेवल के पज़ल कब से बनाना स्टार्ट करें पहले हमको प्री लेवल के पजल पर कमांड करना है प्लस मिसलिनियस के जो टॉपिक्स हैं उन पर कमांड करना है क्योंकि मिस्लिनियस में काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं और वो सारे टॉपिक्स जैसे ही आपके क्योंकि एक बार अगर उन टॉपिक्स को हम पढ़ लेते ना तो हमें दोबारा से उनका रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि प्री के मोक टेस्ट में वो सब हमारे रिवाइज होते रहते हैं ठीक है स्टार्टिंग टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ें साथ में लेकर चलनी पड़ती हैं तो जब आपका जैसे कि रीजनिंग में जो मिसलिनियस वाले टॉपिक्स होते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाए ना क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता मेरे हिसाब से तो जब आपके वो कंप्लीट हो जाए तो वो जितना टाइम आप वहाँ देते दे थे वो टाइम आप मेंस के पजल में दे सकती हो तो वहाँ से क्या होगा आप प्री हो, के भी पजल कर रहे हो आप मेन्स के भी पजल कर रहे हो प्लस जो मिसलिनियस वाले क्वेश्चन थे उनको हम रिवाइज़ कर सकते हैं प्री के मोक में मोक टेस्ट में वो आसानी से रिवाइज हो जाते हैं क्योंकि वो टॉपिक बहुत छोटे छोटे होते हैं और हमको एक बार तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ता है